गुजरात पंचायत सेवा पसंदगी मंडल द्वारा आज रोज समग्र गुजरात में जुनियर क्लार्क स्पर्धात्मक लिखित परीक्षा आयोजन कर भरूच जिला वहीवटतंत्र द्वारा तमाम तैयारी पूर्ण करी है तरह अंकलेश्वर में 18 सेंटर पर पोलिस विभाग द्वारा चुस्त पोलिस बंदोबस्त गोठी देखो साथ वहीवटतंत्र द्वारा अंकलेश्वर तमाम 18 सेंटर पर आरोग्य टीम तैनात करी थी तमज परीक्षार्थी भय विना परीक्षा आपी सके आयोजन कर भरूच जिला पोलिस वड़ा डॉक्टर लीना पाटिल अंकलेश्वर नायब कलेक्टर नैतिकाबेन पटेल फ्लाइंग स्क्वॉड साथ 18 सेंटर की मुलाकात ली परिस्थिति ताग मेवी जरूरी सूचनों कराज परीक्षा ब्लॉक में विजिट करी थी परीक्षार्थी ने परीक्षा दरमियान में कोई अगवड़ न पड़े ए बाबते हाजर स्टाफ ने जरूरी सूचनाओं आपी कड़क अमल करवा ताकीद करवामां आवी हती। डॉक्टर लीना पाटिले जणाव्युं हतुं कि परीक्षा कोई पण विवाद वगर पूर्ण थाय माटे तंत्र सज्ज छे। अंकलेश्वरमां जुनियर क्लार्कनी परीक्षा कोई पण विवाद वगर पूर्ण थाय ते माटे तंत्र सुसज्ज छे। परीक्षा चुस्त पोलिस बंदोबस्त वच्चे योजाई रही छे तेमां ट्राफिक अंगेनी पण पूरती तकेदारी राखवामां आवी हती। तेमज नैतिकाबेन पटेल द्वारा जणाववामां आव्युं हतुं के तमाम परीक्षा केन्द्रों पर संपूर्ण व्यवस्था साथ लेवाई रही है तेमज तमाम चेकिंग करी प्रवेश अपाई रह्यो छे। परीक्षा में गैररीति न थाय तेमज कोई अन्य समस्या न सर्जाय ते माटेनी पूरती तकेदारी लेवाई छे। आज रोज गुजरात पंचायत सेवा पसंदगी मंडळनी जुनियर क्लार्कनी वहीवटी अने हिसाबनी परीक्षा लेवामां आवनार छे तो एमां फ्लाइंग स्क्वॉड तरीके मारी नियुक्त थई छे जेमा तमाम केन्द्रों चेक करता तमाम जगह चढ़वे सलाक पोलिस बंदोबस्त साथ आ परीक्षा लेवामां आवनार छे जेमा कोई बधा स्टूडेंट जे विद्यार्थीओ छे अन्य जिल्लाना विद्यार्थीओ छे जेथी कोईपण गैररीतिनो अवकाश ना रहे अने दरेक जगह दरेक स्टूडेंट्स ने स्त्री और पुरुष ए वाइज कम्प्लीट चेकिंग करवामां आवे छे त्यार पछी एंटर एमने एंट्री आपवामां आवे छे अने एमनी डिजिटल सिग्नेचरो पण वेरिफाई करवामां आवशे અને બધી તમામ રીતે કોઈપણ જગ્યાએ કોઈપણ ગેરરીતિ ના થાય એની તમામ સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા અત્રેથી કરવામાં આવેલ છે। આજે જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા થવા જઈ રહી છે જેમાં ભરૂચ જિલ્લા ખાતે 37 સેન્ટર આવેલા છે અને 9 રૂટ છે જે અંતર્ગત 200 જેટલી પોલીસ 40 PSI 7 PI અને 3 DYSPનો બંદોબસ્ત ફાળવવામાં આવેલો છે। ટ્રાફિકની પણ અલગ અલગ વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવેલી છે। ઉમેદવારોને લાવવા લઈ જવા માટે જો એમને તકલીફ હોય તો બસ સ્ટેન્ડ અને રેલવે સ્ટેશન આગળ ગાડીઓ પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે જેથી એ સહુલિયતનો એ લોકો ફાયદો લઈ શકે। ટ્રાફિકનો ઇશ્યુ ના ઊભા થાય અને ઉમેદવારો છે એ સમયસર પોતાના સેન્ટર પર પહોંચી શકે એ બાબતે પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે। હાલમાં ચુસ્ત બંદોબસ્ત લાગેલો છે અને એક્ઝામ ખૂબ શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં પૂર્ણ થશે।